सो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से हमारे अपने इस प्यारे ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल में। गाइस मेरा नाम है पार शुक्ला और मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ बहुत ही बेहतरीन कंटेंट रिलेटेड टू कॉलेज रिव्यू। मैं हर एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर करता हूँ किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज को सिलेक्ट करने में। तो आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं ये इस वीडियो में किसी भी IIT के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट टॉप 10 कॉलेज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। उनमें से एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में सिचुएटेड है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, मैं खुद BTech परस्यूइंग कर रहा हूं फ्रॉम AKTU यूनिवर्सिटी से। तो मैं हर एक स्टूडेंट को एक ऐसा गाइड करता हूं कि कोई भी स्टूडेंट मिसगाइड ना हो, हर एक स्टूडेंट को एक अच्छी नॉलेज मिले फॉर अ पर्टिकुलर चूज करने के लिए। तो अगर आपको किसी प्रकार का भी कोई भी डाउट होता है तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद हमें कमेंट के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट करिए, बताइए कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज में कोई प्रॉब्लम है। तो अगर आपको ये वीडियो कहीं भी थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है तो थैंक्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अदरवाइज एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूरी करिएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में जो कि सिचुएटेड है बेंगलोर में। तो इस कॉलेज के बारे में हम हर एक छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको एडमिशन कैसे लेना है, ये कॉलेज आपके लिए सही है भी या नहीं, या फिर आपके ड्रीम कॉलेज है तो आप कैसे एडमिशन लेंगे, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या स्कॉलरशिप है, क्या वहाँ के एलुमनाई नेटवर्क है, कौन से फेस्ट होते हैं, और बहुत सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाली है। तो ये सिचुएटेड हुआ था 1909 में, बहुत ही ज्यादा फेमस कॉलेज है क्योंकि कॉलेज जितना ज्यादा पुराना होता है उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव और उतना ही ज्यादा आपके कॉलेज का नेम फेम होता है क्योंकि वहां का एलुमनाई नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, वहां की फैकल्टीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, रिसर्च एंड इनोवेशन के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसलिए करीबन इसको 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं सिचुएटेड हुए, इसीलिए कॉलेज बहुत ही फेमस एंड रिसर्च इनोवेशन के मामले में माना जाता है। तो अगर आप भी अपना करियर रिसर्च के फील्ड में डेवलप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सुटेबल है और ये कॉलेज आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, मैं इस वीडियो में हर एक चीज के बारे में बिल्कुल बारीकी से डिस्कस करूंगा, एस्टेब्लिशमेंट से लेकर के प्लेसमेंट तक की बिल्कुल अच्छे से डिस्कशन करूंगा। तो ऐसे ही रिलेटेड कोई और कॉलेज के बारे में रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम चले चलते अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के बारे में रिव्यू को। सो यू गाइस, अब हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में, यानी आपके ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसके अलावा आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले चलते हैं अपने कॉलेज को देखते हैं कैंपस वगैरह कैसा लगता है हमें। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज के बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहली इमेज इसकी पहली ये रही जो कि एंट्री गेट पे हमें देखने को मिलती है और हमें पता चलता है ताकि ये हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसकी हम पिक्चर एक और देखते हैं जो कि कैंपस के बारे में, और कैंपस बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, नेचर भी बहुत ही प्यारा लग रहा है और पेड़ काफी हरे भरे यहाँ पे हम देखने को मिले, और यहाँ कैंपस का लुक भी बहुत मुझे प्यारा लग रहा है, मुझे एकदम फॉरेन वाला लुक लग रहा है। और कमेंट बॉक्स में मुझे अभी बताइए कि आपको ये लुक कैसा लग रहा है, और अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे यही कॉलेज अलॉट हो, यही कॉलेज मुझे मिले, तो इसके लिए एक हार्ट जरूर आप ड्रॉप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो वन मोर लास्ट पिक्चर हम देखते हैं इस कैंपस के बारे में जो कि एक इवनिंग व्यू के बारे में बता रहा है, कैंपस का एक इवनिंग व्यू लग रहा है। तो बहुत ही अच्छा मुझे कैंपस, ये फाइनली मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगता है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि ये कॉलेज कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, क्या ये कॉलेज क्या रीजन है, क्या कारण है इसका एस्टेब्लिशमेंट होने में। मैंने पर्सनली इसके कॉलेज में जाकर के हिस्ट्री पढ़ी है सोशल मीडिया के थ्रू, गूगल करके मैंने हिस्ट्री इसकी पढ़ी थी, चाहे तो आप इसको हिस्ट्री इसकी पढ़ सकते हैं कि ये कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट होने में क्या क्या कारण रहे हैं। बहुत इन्होंने जिनका ये वीर था कि कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट करा जाए, उनकी डेथ होने के बाद ही ये कॉलेज सक्सेसफुल हो पाया है, उनकी फर्दर जनरेशन ने इसको आगे बढ़ाया है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1909 में एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेनोवेशन के मामले में माना जाता है। जितने भी आपके जो इन्वेंशन हुए साइंस रिलेटेड या फिर जितने भी रिसर्च कॉलेज में हैं तो सबसे बेस्ट कॉलेज रिसर्च के लिए माना जाता है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया है का है ये। तो इसकी अगर हम रैंकिंग की बात करें तो नहीं, हम इसकी रैंकिंग इंडिया के बेसिस पे नहीं करते हैं या ना फिर NIF रैंकिंग के बेसिस पे करते हैं, ग्लोबली हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं क्योंकि ये जो वर्ल्ड में से टॉप कॉलेज में
से आता है, इंडिया का टॉप कॉलेज तो है ही, वर्ल्ड में भी अच्छा कॉलेज ही आता है। तो 155th इसकी ग्लोबली रैंकिंग है, और रैंकिंग के बारे में बात कर चुके हैं, तो रैंकिंग तो लाजवाब है, इसको हम लोग बिल्कुल भी कहीं से भी काट नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े तो कैंपस एरिया, यानी हम जिस कैंपस में पढ़ने जा रहे हैं उस कैंपस का एरिया कितना है। तो हमने पढ़ा था आईआईटीज वगैरह सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैंपस होता है, बहुत ही ज्यादा लार्ज एकर में फैला होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी हमारा जो बेंगलोर कैंपस है काफी लार्ज एरिया में फैला हुआ है, लगभग 400 एकर्स। गाइस 400 एकर्स बहुत बड़ा लार्ज एरिया कैंपस होता है कि समझिए कि एक बार में तो आप टहल ही नहीं पाएंगे। और अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो अप्रॉक्स यहाँ पे 4000 स्टूडेंट्स पाए गए हैं। अब ये जो करेक्ट डेटा है ये हमें ये अवेलेबल नहीं बता पा रहा है कि ये जो डेटा हमारे पास है किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए है या फिर ओवरऑल कॉलेज के लिए है। ओके गाइस, तो ऐसे ही हम आगे बढ़े तो अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, दैट हाउ विल यू रीच टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज के बारे में, यानी बेंगलोर में आप कैसे पहुंचेंगे। तो अगर आप वाया एयरपोर्ट जाने, दो रास्ते, या फिर एयरपोर्ट जाइए या फिर रेलवे स्टेशन जाइए या फिर आप लोकल के तो इस कन्वेंस के थ्रू पहुंच जाइए। तो वो क्या करना, अगर बुक अप्लाइड टू आ कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलोर में है, यहाँ के थ्रू आप पहुंच करके इसके बाद आप इजिली कहीं से भी लोकल टैक्सीज वगैरह करके या फिर ओला उबर कुछ भी करके आप इजिली पहुंच सकते हैं। दूसरा मीडियम है आपका रेलवे स्टेशन। अगर आप रेलवे स्टेशन से जाना चाहते हैं तो बुक अ ट्रेन टिकट टू बेंगलोर, बेंगलोर के लिए एक ट्रेन टिकट बुक करिए। द टू मेन रेलवे स्टेशन आर स्टेशंस आर नियर IICSE आर विच जो कि हैं बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन जो कि मैजेस्टिक है, दिस इज अबाउट 7 किलोमीटर फ्रॉम आवर कॉलेज जो कि IISc है, एंड यशवंतपुरम रेलवे स्टेशन दिस इज क्लोजर अबाउट 2 किलोमीटर फ्रॉम IISc। तो आप चूज कर सकते हैं कि किस रेलवे स्टेशन पे आपको पहुंच करके कॉलेज पहुंचना है। तो ये बात के लिए मैंने कनेक्टिविटी की, कनेक्टिविटी आप कैसे ही पता कर सकते हैं, तो मैंने अभी तक यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट वगैरह के बारे में बात करी। अब कुछ और जरूरत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हैं हाउ टू टेक एडमिशन इन IISc बेंगलोर, यानी कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज के बारे में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कॉलेज में हम कैसे एडमिशन लेंगे। तो गाइस हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी यूजी प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीएससी रिसर्च एंड बीटेक के लिए, आपको इसके लिए यू मस्ट हैव अ 10+2 इक्विवेलेंट विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। एंट्रेंस एग्जाम क्या होंगे, एडमिशन बेस्ड ऑन द स्कोर फॉर्म जेई मेंस एंड जेड मेंस, ये आप इसके लिए है, ये बीटेक वालों के लिए है। नीट यूजी और KVPY जो कि है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत आप एडमिशन ले सकते हैं जो कि बीएससी वगैरह के लिए है। और एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो कि हाउ विल यू अप्लाई अ फॉर्म, आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द IISc एडमिशन पोर्टल, इसके थ्रू आप इस पोर्टल में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। फिल इन योर पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल, आप क्या करिए पर्सनल डिटेल एकेडमिक डिटेल आप फिल करिए कि आपने 10+2 कहाँ से करिए, क्या स्कोरिंग है, ये सब वगैरह। अपलोड आर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पे द एप्लीकेशन फीस, यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है और जो सुटेबल अमाउंट ऑफ फी होगी वो आपको पे करनी होगी। ये फीस क्या है, क्या कैसे प्रोसेस है, तो आप चाहे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जो भी आपको पर्टिकुलर कोर्स करना हो, तो क्योंकि आप चाहे तो इसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं जेएमएन एंड जेएडवांस के थ्रू, तो आप वहां जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं क्या पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या एडमिशन फीस है और कैसे आपको अप्लाई करना है। ये फीस आपको, क्योंकि क्या होती है कि हो सकता है आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब आपकी एप्लीकेशन फीस कुछ और हो और आप 2 साल बाद ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो एप्लीकेशन फीस कुछ और होगी, तो चाहे तो इसको आप चेकआउट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ही हम आगे देखें तो हमने देख लिया अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में, आप देखें हम किसके बारे में, पीजी के बारे में यानी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में। प्रोग्राम्स में एमटेक, मास्टर ऑफ डिजाइनिंग, MMGT जो आपका आता है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, रिलेवेंट बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और साइंस की होनी चाहिए आपकी डिग्री। एंट्रेंस एग्जाम गेट, CEE, CAT, GMAT, गेट, ये आपकी क्या होनी चाहिए, एग्जाम होना चाहिए। गेट किसके लिए, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइनिंग के लिए है, और CEE फॉर मास्टर ऑफ डिजाइनिंग के लिए है, CAT, GMAT, गेट वगैरह फॉर अ मास्टर ऑफ MGT के लिए है। गाइस आई होप ये आप जान चुके हों, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था एप्लीकेशन प्रोसेस सेम है।
पीएचडी प्रोग्राम के लिए क्या होना चाहिए, आप रिलेवेंट मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद वैलिड गेट नेट और जीआरएफ स्कोर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। और एंट्रेंस एग्जाम क्या है, गेट है, नेट है और जैम फॉर द इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए। एप्लीकेशन फीस सिमिलर है, जैसे कि आपने यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चन देखा था, सिमिलरली इसी प्रकार क्या है पीएचडी के लिए भी है। गाइस अब मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, किस पर्टिकुलर कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कौन सा आपको एग्जाम देना होगा। अब मैं छोटे से बिल्कुल आपको एक, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे तो थोड़ी देर के लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन कि आपको यानी एडमिशन कैसे लेना है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने आपको पहले बता चुका था, एलिजिबिलिटी साथ बताया था लेकिन मैं यहाँ पे अलग आपको बताए दे रहा हूँ, इंडिविजुअल में बताया दे रहा हूँ। अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए मैं बता रहा हूँ, बीएससी रिसर्च या फिर बीटेक करना चाहते हैं तो उसके लिए 10+2 होना चाहिए विद पीसीएम के साथ में, और मिनिमम आपसे 60% मार्क्स इन अ क्वालिफाइंग एग्जाम आपके होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन बेस्ड ऑन द स्कोर फॉर्म, जो भी मैंने आपको बताया था कि एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सा एग्जाम जरूर होगा कि आपको देना ही पड़ेगा, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग स्कोर फॉर्म के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है। तो ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे जो कि रिलेटेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में, जो कि अब हम बात करने जा रहे हैं कि स्कॉलरशिप के बारे में, कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, अगर आपको ये कॉलेज मिल जाता है तो क्या आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे दिखाया है कि मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो मैंने चार्ट है इसको पिक किया है और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स आर अवॉर्डेड स्कॉलरशिप या फिर फेलोशिप फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट। द वैल्यू ऑफ द स्कॉलरशिप और फेलोशिप पर मंथ फॉर द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन अ डिफरेंट प्रोग्राम ऑफ द इंस्टीट्यूट एज गिवन बिलो। यानी ये जो कह रहा है कि आपको स्कॉलरशिप जब से डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपको अकॉर्डिंग काउंट हो जाती है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलती है, पर मंथ मिलती है, यहाँ पे आपको पर ईयर हुआ दिखाया जा रहा है, तो डिफरेंट प्रोग्राम के लिए डिफरेंट आपकी स्कॉलरशिप होती है। जस्ट लाइक आपको पीएचडी करना है तो 37,000 से लेकर के आपको 42,000 तक मिलेगी। बैचलर्स ऑफ साइंस रिसर्च के बारे में करना है तो 5,000 आपको रुपये मिलेगी। एमटेक करना है जो कि रिसर्च फील्ड से है तो आपको 12,400 रुपये मिलेंगे। और ऐसे ही अगर आपको मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मास्टर ऑफ डिजाइनिंग करना है तो फिर आप 12,400 रुपये मिलेंगे। और इंटीग्रेटेड पीएचडी यानी किसी पर्टिकुलर चीज से अगर आपको पीएचडी करनी है 16,000 से लेकर 37,000-42,000 तक रुपये आपको मिलेंगे। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इजिली आप रीड कर सकते हैं। तो आई होप मैं एक बारीकी से हर एक पॉइंट पे डिस्कशन कर रहा हूं, तो आई होप आपको ये चीजें इंफॉर्मेटिव लग रही हो, वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रही हो। अगर आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेटिव लग रही है तो एक चैनल को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपको बहुत ही बिगेस्ट चीज अपलोड करता है और बहुत ही बिगेस्ट चीजें आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है जो कि आपके रिलेटेड है फ्यूचर के। तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो कोर्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं। चूंकि हम इस स्पेशल वीडियो में सिर्फ स्पेशल कोर्सेज के बारे में बात करें जो कि मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज हैं, जैसे कि बीटेक, बीएससी, पीएचडी और मास्टर्स, सारे जितने भी मास्टर्स से रिलेटेड कोर्स हैं और रिसर्च के लिए कॉलेज माना जाता है, तो रिसर्च वाले एक भी कोर्सेस नहीं छूटते यहाँ पे। और बहुत ही जितने भी एलुमनाई नेटवर्क निकला है, एलुमनाई यानी जो कि पास्ट स्टूडेंट हो चुके हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलुमनाई रहा है यहाँ का और मैनी मोर कोर्सेज यहाँ पर हैं। गाइस अब हम बात करने जा रहे हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में, यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम, इन सभी के बारे में हम इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले एक ओवरव्यू दिया कि ये कॉलेज कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कैंपस एरिया क्या है और कैसे आपको एडमिशन लेना है, और एडमिशन लेने के बाद आपको स्कॉलरशिप क्या मिलेगी। तो अब हमारा ये भी राइट बनता है कि हम ये जाने कि इस कॉलेज की जो भी पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए फीस क्या होने वाली है। तो फीस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अब हम सबसे पहले जानने जा रहे हैं बैचलर्स ऑफ साइंस रिसर्च के बारे में, जो कि 15,000 पर ईयर फीस रहेगी, अदर फीसेस से 5,200 रुपए पर ईयर आपकी, इंक्लूडिंग जिम, खाना, फी, अकेडमिक एक्सपेंसेस एंड इमरजेंसी फंड्स। तो यानी टोटल आपको 20,200 रुपीज पे करने होंगे। फॉर बीटेक के लिए भी सिमिलर चार्जेस हैं आपके। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम अगर हम यहाँ पे बात करें तो गैस एमटेक या फिर मास्टर ऑफ डिजाइनिंग कोई मास्टर कोर्स करना चाह रहे हैं, 9,000 पर रुपए पर ईयर आपको फीस होगी, अदर फीस आपको 5,200 रुपए आपको देखने को मिले, टोटल फीस आपको 14,200 रुपए पर ईयर देखने को मिलेगी।
तो गाइस अगर आप यहाँ पे देखें तो फीस बहुत ही कम है, आप ये देख पाए फीस ना के बराबर है। आप चाहे तो अगर आप देखने को कोई भी अगर पर्सन जॉब करता है तो उसकी एक मंथ की सैलरी ये है, आप देख पा रहे हैं जो एक ईयर की फीस है ये एक पर्सन की मंथ की सैलरी के बराबर है। और इसके बाद अगर आप कहीं भी प्लेस्ड होते हैं तो महीने का लाखों कमाएंगे, और जो डिग्री आपको मिलेगी वो आपकी कोई कीमत ही नहीं उस डिग्री, क्योंकि आपको एक ऐसी जगह की डिग्री मिल रही है जो कि उसकी बहुत ही ज्यादा प्राइस वैल्यू है। तो अगर हम पीएचडी प्रोग्राम के बारे में जानेंगे तो ट्यूशन फीस उसकी 15,000 रुपये पर ईयर है, अदर फीस सिमिलर वही आप फिर देखने को पाएंगे तो 20,200 रुपीज पर ईयर आपको यहाँ पे एक्सपेंड करने होंगे यहाँ पे आप जाएंगे पर ईयर के। तो फीस एकदम ना के बराबर है, बिल्कुल गवर्नमेंट की तरह है। तो हॉस्टल एंड मेस चार्जेस क्या हो, अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपये पर ईयर आपको हॉस्टल फीस देनी पड़ेगी, जो कि आपकी मेस चार्जेस भी इंक्लूड करती हो, तो बिल्कुल सही है, कोई ज्यादा नहीं है। अगर आप अदर फीस आप यहाँ पे देख ले, 5,000 रुपये अगर आपके मंथली हॉस्टल के जाते हैं मेस के जाते हैं तो 60,000 रुपये आपके यहाँ पे मेस एंड हॉस्टल चार्ज हो गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ले रहे हो, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें कॉस्टली हो गई हैं, तो मेस चार्जेस बिल्कुल सही है। और मेडिकल इंश्योरेंस जैसे प्रीमियम पेएबल एज पर एक्चुअल कॉस्ट, जो जिस चीज की जो एक्चुअल कॉस्ट होगी आपकी वहाँ मेडिकल के थ्रू इंश्योरेंस वगैरह वही आपसे ली जाती है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में एक ऐसी लाइफ होती है कि आप हाईली कॉस्ट चीज ऐड नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल बहुत ही मिनिमम फीस में आपके कोई भी कोर्स यहाँ पे हो जा रहा है। और इसके बाद जो डिग्री मिलेगी वो भी उस प्राइसलेस डिग्री है आपके लिए, और इसके बाद आप कहीं प्लेस्ड होंगे तो फिर क्या ही कहा जा सकता है, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। और इसके बारे में एक और चीज हम जानेंगे, उसके फैसिलिटीज वगैरह के बारे में जानेंगे, उसके बाद एलुमनाई नेटवर्क के बारे में जानेंगे। अब हमने यहाँ पे जाने जा रहे हैं फेमस एलुमनाई के बारे में, फ्रॉम आवर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में हम जाने जा रहे हैं। तो सबसे फेमस एलुमनाई वो होते हैं जो उसी कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, उसी को हम एलुमनाई बोलते हैं। जैसे होमी जी भाभा फाउंडर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम हैं, जो कि उन्होंने जो कि फाउंडर हैं इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम के, और विक्रम साराभाई फाउंडर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम, जो कि आप देख सकते हैं सब एक रिसर्च ही फील्ड में गए हैं, क्योंकि ये कॉलेज से रिसर्च और रिसर्च के लिए माना जाता है, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, वर्ल्ड टॉपेस्ट कॉलेज में आता है, और इंडिया का तो टॉप कॉलेज है ही, टॉप 10 कॉलेज में भी आता है। सुधा मूर्ति जो कि ऑथर हैं, फिलंथ्रोपिस्ट हैं एंड फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी हैं। और जो कि आप देखने पा रहे हैं कैलाश वैदिवो सिवान फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो हैं, जो कि ये सब साउथ के हैं, और बहुत ही बेहतरीन ये एक अच्छी अचीवमेंट मानी गई है। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आपके एलुमनाई यहाँ से इतने स्ट्रांग है तो आपका ये फ्यूचर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो अब हम जानने जा रहे हैं फर्स्ट के बारे में, क्योंकि जो कॉलेज की मेमोरीज होती है मेमोरीज लाइफ टाइम बहुत ही ज्यादा एवरग्रीन होती हैं, तो वहां पे कौन सा फेस्ट होता है, फेमस फेस्ट के बारे में ही हम सिर्फ डिस्कशन करते हैं अपने इस चैनल पे। कोई भी कॉलेज के बारे में अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो एक फेस्ट के बारे में जरूर डिस्कस करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही फेमस फेस्ट होता है उस पर्टिकुलर कॉलेज का। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेस्ट एट IISc बेंगलुरु इज प्रवेगा, दिस एनुअल अंडर ग्रेजुएट फेस्ट, ये अंडर ग्रेजुएट फेस्ट होता है, इज वाइब्रेंट सेलिब्रेशन दैट ब्रिंग्स टुगेदर द फाइनेस्ट माइंड्स इन अ साइंस टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। ये साइंस टेक्नोलॉजी एंड कल्चर के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है, बहुत ही ज्यादा आपको एक अच्छा कोलैबोरेशन माइंड देता है, न्यू रिसर्च से टेक्नोलॉजी देता है, न्यू वाइब्स देता है, न्यू माइंडसेट देता है। तो कोई भी फेस्ट जो होता है आपको एक अपने ही लिए एक बहुत ही वाइब्स को गैदर्ड किए कहता है, और आपको कहीं ना कहीं माइंडसेट को जरूर चेंज करता है। तो ऐसे हम आगे बढ़े तो हम बात करने जा रहे हैं फैसिलिटीज के बारे में। तो ये मैंने आपके लिए एक AI इमेज लगा के रखी है, जो कि आपको बहुत ही शायद आई होप अट्रैक्टिव लग रही होगी, कैंपस में कौन कौन से फैसिलिटीज होती हैं। जैसे आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिलेंगी, लैब्स बीटेक के लिए कंप्यूटर लैब्स, और आपके लिए BSc रिसर्च के लिए यानी आपको केमिस्ट्री लैब्स वगैरह सारी लैब्स आपके लिए वेल प्रॉपर्ड मैनर में आपको मिलेंगी, और ऐसा माना जाता है कि लैब्स रात तक खुली रहती हैं। और योगा फैसिलिटीज आपको होगी, कैंटीन है, कैफेटेरिया है, हॉस्टल है, लस ग्रीन कैंपस है, प्लेसमेंट सेल है, सारी वेल इक्विप्ड आपको चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं। और आई होप ये जो हमारा टॉपिक है सेकेंड लास्ट टॉपिक है, और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि है प्लेसमेंट के बारे में, कि हर स्टूडेंट के मन में सबसे पहले ये नहीं देखता है कि कॉलेज में कैसा है, कॉलेज की रैंकिंग कैसी है, सबसे पहले उसकी नजर जाती है जो कि होती है प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट से ही स्टूडेंट कॉलेज को जज कर लेता है। तो उसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट 86 लाख पर एनएम रहा है, मीडियम 28 लाख पर एनएम रहा है,
टॉप रिक्रूटर्स रहे हैं, कंपनीज हैं लाइक अमेजॉन, बजाज फिनसर्व, सिस्को, पीडब्ल्यूसी, महिंद्रा एंड सीमेंस, ऐसी मल्टीपल कंपनीज रही हैं। कुछ कंपनीज का तो मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया, लेकिन आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिट रही हो। मैंने आपको बताया कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, क्या कैंपस एरिया है, आप कैसे इस कॉलेज पे पर्टिकुलर कोर्सेज में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन ले लेंगे तो क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, फीस स्ट्रक्चर के बाद उसकी स्कॉलरशिप क्या रहेगी, एलुमनाई नेटवर्क आपका कैसे स्ट्रांग है, और कौन कौन से लोग ने अपनी फील्ड बहुत ही अच्छा किया हुआ है, कौन सा फेस्ट होता है, इन सारे तमाम टॉपिक के बारे में बहुत ही अच्छे से मैंने डिस्कशन किया है। अगर कोई भी आपको डाउट रह जाता है या फिर आपको ये लग रहा है कि मैंने कोई मिस्टेक करी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक लिया टाटा बाय बाय एंड चाय।